नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध जब भी अपना उपदेश समाप्त करते अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय शिष्य था नंदू। उसे यह बात अजीब सी लगती कि रोज़ रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है। और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, नंदू तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है कि शिष्यों को रोज़ रोज़ क्या समझाना कि जाओ अब अपना अपना काम करो, पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि उपदेश स्थल में सिर्फ शिष्य या भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूँ, पर यह स्पष्टीकरण भी नंदू के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, नंदू आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी और शिष्य तो बहुत सारे थे, एक चोर और एक वेश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी, उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर नंदू और आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध उसके मन की बात समझ गए और उन्होंने नंदू को चोर और वेश्या के बारे में बताया और कहा, अभी रात हो गई है, तुम जाकर आराम करो, सुबह उनसे मिलना। जाकर नंदू ने जैसे तैसे उत्सुकता में वह रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा, जो बुद्ध के आश्रम में नियमित रूप से आता था। नंदू ने उससे पूछा, रात्रि सभा में महात्मा बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। इस पर वह बिच्छू बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है, बिच्छू का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम, मैंने कल भी वही किया। नंदू को पता था कि बिच्छू से उसे यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर के घर की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था, उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि शिष्य नंदू उससे मिलने आया है। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर नंदू के सामने हाजिर हो गया। नंदू ने अपना सवाल दोहरा दिया। रात्रि सभा में महात्मा बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। चोर विनम्र शब्दों में बोला, नंदू महात्मा बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में गया और उनके प्रवचन सुने, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा और कल इतना ज़्यादा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूँगा। चोर की बात सुनकर नंदू हैरान रह गया। वह वहाँ से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या नंदू को देखते ही पहचान गई। उसने नंदू को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद नंदू ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, नंदू भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो, सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपनी नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे, उन लोगों ने खुश होकर इतना धन धान्य मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए ये कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नंदू के आश्चर्य की सीमा ना रही। वह वहाँ से वापस महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने महात्मा बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्हें सारी बात कह सुनाई।
बुद्ध बोले, नंदू, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबका मस्तिष्क अलग अलग है। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर काम का मतलब निकालते हैं। इसलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ अब अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कहीं कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए ये संसार ऐसा है, हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपकी घंटी बजे। दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, एंड वंदे मातरम।